जय हिंद सभी भाइयों, मैं सब इंस्पेक्टर सौरभ कुमार, सीपीओ 2019 सेलेक्टेड डैश 94। देखो, आज मैं आपसे बात करना आया हूँ कि एक्सटेंशन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो, जैसे मैं अभी इस टाइम जी से जालंधर में हूँ, यहाँ भी आपके 100 इनरूट आने हैं, जो उनकी लास्ट डेट हो आपकी 8 जून के आसपास तक है। तो देखो, आपका जो फर्स्ट लेटर आपको इशू हुआ है उसकी जो लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की, वो 8 जून तक, यानी आप 8 जून से पहले पहले हैं कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। सपोज करो किसी ने फर्स्ट लेटर पे ज्वाइन नहीं किया, फर्स्ट लेटर पे क्या किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो जिसको सेकंड लेटर इश्यू होगा वो आपको 9 जून से 10 जून के पास आपको मिल जाएगा। जो उसकी वैलिडिटी होगी, यानी जब उसका जो उस ज्वाइन लेटर के तहत आपको 8 जुलाई तक आपको ज्वाइन करना होगा। यानी क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर हुआ उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 महीने के आपको टाइम होता है कि आप 1 महीने में कहीं ज्वाइन कर सकते हो। जो सेकेंड लेटर होगा उसका भी आपका जो टाइम होता है वो आपका 1 महीना होता है, यानी क्या वो आपको 2 महीने में आप ज्वाइन कर सकते हो। अब जो फर्स्ट लेटर पे ज्वाइन नहीं करता उसको सेकंड लेटर 101% इश्यू होता है। सीआरपी क्या मानती है कि हो सकता है जो हमने पहले लेटर भेजा, हो सकता है वो उसको ना मिला हो सकता है उसको वो ना मिला हो, इसलिए वो सेकंड लेटर इशू आपका करती है। लेटर आपके 2 ही आएंगे, आपके 3 लेटर नहीं आते हैं। फिर क्या कि सर एक्सटेंशन कैसे लें, तो देखो आपको फर्स्ट लेटर पे एक्सटेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आपका सेकेंड लेटर आ जाएगा और सपोज करो आप चाहते हो कि हम 8 जुलाई के बाद ही आएंगे, हम उससे पहले नहीं आएंगे, तो इसकी सूचना आपको अपने कंसर्न्ड जीसी में देनी पड़ेगी, यानी जहां पे आपको ज्वाइनिंग करना है आपको वहां पे इसकी सूचना देनी पड़ेगी। अब सूचना देने के लिए क्या, सपोज आप चाहते हो कि हमें 1 महीने का एक्सटेंशन चाहिए, तो आप 8 जुलाई के बाद 1 महीने का एक्सटेंशन लगा लो आप, या जिस दिन आप लेटर भेजोगे आप जब से 1 महीना लगा सकते हो। सपोज करो आपको 2 महीने का एक्सटेंशन चाहिए, किसी को 3 महीने का चाहिए, किसी को 4 महीने का चाहिए, किसी को 5 महीने का चाहिए, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा 6 महीने का हो सकता है। 2 महीने शुरुआत के और 4 महीने आप और ले सकते हो एक्सटेंशन। टोटल आपका 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, आपको 6 महीने के अंदर जीसी में ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो या आप सूचने भी नहीं देते हो, तो आपको जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट जो आपका लेटर है वो 6 महीने बाद आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं एक्सटेंशन की, तो आप 8 जुलाई के बाद, मतलब 8 जुलाई को जैसे आपका सेकेंड लेटर की डेट खत्म होगी, तो आप 1 जुलाई को आप बाय मेल और बाय पोस्ट, यानी दोनों के थ्रू, बाय मेल भी आपको भेजना है और बाय पोस्ट भी आपको भेजना है। जो बाय पोस्ट आप भेजोगे उसकी आप स्लिप अपने पास रखना, और जो आप बाय मेल भेजोगे उसका तो आपके पास प्रूफ है ही। और दूसरी चीज़ के मैंने मेरे भी एक ASI मिनिस्ट्री जो आपको यहाँ से लेटर भेज रहे हैं उनसे मेरी बात हुई, तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने हमको एक्सटेंशन भेजा है तो वो डिपेंड करता है कि जो हमारा DIG है वो उसको एक्सेप्ट करेगा या वो आपको बोल देगा कि नहीं, एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, आपको आना ही पड़ेगा। तो डिपेंड करता है DIG के मूड पे। अब क्या है, लेकिन अधिकतर केस में क्या होता है, 80% केस में आपको एक्सटेंशन मिल जाता है। जिसको लंबा एक्सटेंशन चाहिए 2 महीने 3 महीने का, उसकी अथॉरिटी मतलब DGC के पास नहीं है, उसका यहाँ से वो भेज देते हैं दिल्ली ट्रेनिंग डायरेक्टरेट में। उसकी परमिशन आपकी वहाँ से होती है कि इसको एक्सटेंशन देना है, इसको एक्सटेंशन नहीं देना है। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं कि एक्सटेंशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं जो चाहिए, क्योंकि एक्सटेंशन भी आपको जब भी मिलेगा जब आपके पास ठोस मतलब मजबूत डॉक्यूमेंट आपके होंगे। अब उसमें क्या क्या हो सकता है, सपोज करो आपकी तबीयत सही नहीं है, आपको फ्रैक्चर हो गया, कहीं फ्रैक्चर हो गया, तो आप उसके डॉक्यूमेंट लगा के अपना ज्वाइनिंग लेटर एक एप्लीकेशन लिख के आप भेज सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, आपकी मम्मी की तबीयत खराब है आप नहीं आ सकते, तो आप उसका ये भेज सकते हो। तीसरी चीज क्या है, आपके पेपर चल रहे, मान लो आप पीजी कर रहे हो, आप पीजी कर रहे हो तो पीजी के आपके एग्जाम आ गए, तो आप उसका एक्सटेंशन लगा के भेज सकते हो। आगे बस समझ में। तो ये डिपेंड करता है DIG के हाथ में कि वो आपका एक्सटेंशन दे या आपका एक्सटेंशन वो आपको ना दे, ठीक है। अब क्या है, कुछ का मेरे पास आ रहा फोन कि भैया ऐसा हो कि सेकेंड लेटर हमारे पास आए ना, तो सेकेंड लेटर आपका 101% आएगा, कोई डाउट नहीं है उसमें। अगर किसी ने फर्स्ट लेटर पे ज्वाइनिंग नहीं की तो उसको सेकेंड लेटर आपको जरूर जरूर मिलेगा। और देखो, जो एक्सटेंशन के लिए आप अप्लाई करोगे उसका भी आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि मैं भी 2 महीने लेट ज्वाइन किया था, मेरी ज्वाइनिंग 11 जुलाई की है, मैंने 2 महीने लेट ज्वाइनिंग किया था, तो उसमें क्या था, जो मैंने बाई मेल और बाई पोस्ट भेजा था उसका मेरे पास रिप्लाई नहीं आया था। तो मेरी जिस जहाँ मेरी ज्वाइनिंग हुई थी सिलीगुड़ी जेसी में, फिर मैंने अभी 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 थोड़ी देर पहले मैंने एक ASI है उनसे मैंने बात करी कि मैंने ऐसे अप्लाई किया था, तो मेरे को रिप्लाई, क्या रिप्लाई आता है या नहीं आता, तो उसने मेरे को रिप्लाई आएगा आएगा, हो सकता है वहाँ बाबू जो है वो लापरवाही करके उसने आपको ना भेजा, ठीक है। अब क्या है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जिसका भी CPO 2024 का एग्जाम है वो 27 से 29 जून के बीच में है, वो जून 30 जून से पहले पे ज्वाइन करने की कोशिश करे। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो 1 जनवरी से लेके
30 जून तक ज्वाइनिंग करते हैं उनका इंक्रीमेंट लगता है, यानी जो बेसिक पे है वो आपका जैसा भी आपका 35,400 है तो इंक्रीमेंट का मतलब होता है एक साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है, 1,100 रुपये का आपको शुरुआत में बढ़ता है 3% के आसपास, पॉइंट वॉइंट वो नहीं लेते कि अप्रोक्स वैल्यू नहीं लेते हैं, जो पॉइंट हो माने 1,100 रुपये वो आपको बढ़ा देते हैं। तो आपको इंक्रीमेंट जो लगता है एक साल में एक बढ़ता है बार लगता है, लेकिन एक बार इंक्रीमेंट लगता है जनवरी में, जनवरी में किसका लगेगा, जिसने ज्वाइनिंग किया जनवरी और जून के बीच में, यानी 1 जन टू 30 जन। लेकिन जिसकी ज्वाइनिंग 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक, उनका उनका जो इंक्रीमेंट है वो लगता है 1 जुलाई को। अब इसमें नुकसान क्या, अब आप मुझे एक बात बताओ, आपका इंक्रीमेंट लगा जुलाई में, एक का लग गया जनवरी में, तो जिसका जनवरी में लग गया उसका पे तो आपसे ज्यादा आया ना 6 महीने, और जिसका जनवरी में लगेगा उसको 6 महीने का मिलेगा, फिर वापसी जनवरी पे साइकिल आएगी तो उनका फिर जनवरी में लग जाएगा, आपका फिर नहीं लगेगा। अब आप एक चीज देखो, अगर एक इंक्रीमेंट आपका लेट है, मतलब आपका जनवरी में उसका जुलाई में, आप खुद देखो आपका बेसिक पे 1,100 रुपये बढ़ेगा, 1,100 बढ़ा उस पर 50% आपका डीए हो गया प्लस आपका एचआर हो गया, तो ये आपको 6 महीने आपको नुकसान होगा अगर आप जुलाई में ज्वाइनिंग करते हो। फिर जुलाई में आपको ड्रेस अलाउंस मिलेगा 10,000 रुपये, अगर आप जुलाई के बाद ज्वाइन करते हो वो भी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइव मतलब जब तक आप इंस्पेक्टर नहीं बनते उसमें भी आगे का प्रोसेस है, लेकिन जब तक आप इंस्पेक्टर नहीं बनते आपका जो इंक्रीमेंट है आपको जुलाई में लगेगा अगर आप जुलाई में ज्वाइनिंग करते हो, क्योंकि हमारा खुद जुलाई में लगता है, हमें हर साल 8 से 9 हज़ार रुपये का लॉस होता है ना। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप 30 जून से पहले पहले इसको ज्वाइन कर लें। और देखो लोगों ने हवा बना रखी है कि ट्रेनिंग हार्ड होती है, वो होती है वो होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी जिस उम्र में ट्रेनिंग करी है वो डिपेंड करता है आपका सीटीसी के ऊपर, भाई जिसकी कोयम्बटूर में उसकी अलग तरीके से हुई है, हमारे नांदेड़ में हुई हमारे अलग तरीके से हुई है, किसी की नीमच चले वो अलग तरीके से ली हो, किसी ग्वालियर चले वो अलग तरीके से ली होगी, लेकिन अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि अभी ड्यू टू इलेक्शन सीआरपी में ना तो कोई कोर्स चल रहा है, ना आपके कोई बैच मतलब प्रमोशन कोर्स चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा इस टाइम। जो कोर्स में तो उनको भी विड्रॉवल कैंसिल कर दिया गया था सब चीज़, तो अभी क्या है, अभी जो आपके सीईटी से वो भी आपके पूरे भरे पड़े हैं, आपसे पहले 3200 का बैच था सीआरपी में, तो मैं कह रहा हूँ 2425 ने ज्वाइन करा होगा तो वो भी भरे पड़े हैं, जगह ही नहीं है सीटीसी में। जैसे सीटीसी में इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो रही है, मैं उसकी आपको वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि पता चल जाएगा मेरे को सीटीसी में कब से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है ना। तो अभी क्या है, जिस मेरा मैं तो ये आपको ये बोलूंगा कि आप 30 जून से पहले पहले ज्वाइन कर लें, और जिसको पेपर देना है जून में आपका पेपर है वो 27-29 जून, तो उसमें एक्सटेंशन की आवश्यकता नहीं है। एक्सटेंशन की आवश्यकता आपको जब भी पड़ेगी जब आप 8 जुलाई के बाद यानी सेकेंड लेटर की जो डेट होगी उसके बाद आप ज्वाइन करोगे, वरना एक्सटेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ट्रेनिंग आपकी अच्छी होगी, आप इंजॉय करोगे, क्योंकि जैसे हमारी स्टडी लाइफ में जो हमारा बेस्ट पार्ट होता है वो आपका स्कूल लाइफ होती है, तो ऐसी पूरी सर्विस का जो बेस्ट पार्ट है आपका वो क्या होगा, आपका वो ट्रेनिंग ही होती है। तो ट्रेनिंग को इंजॉय के साथ करना, शुरुआत के 2-3 महीने आपको हार्ड लगेगा लेकिन उसके बाद आप उसी चीज़ को इंजॉय करोगे, है ना, क्योंकि आप एक सिविल लाइफ से आप एक फौजी लाइफ में आने वाले हो, है ना। तो डिफरेंस तो होंगे, हर चीज़ रिस्ट्रिक्शन के तहत होगी, भाई सुबह को जल्दी उठना है आपको, हर चीज़ आपकी होगी, है ना। तो ज्वाइन करो, मैं जो यहाँ पे जिस जलंधर में आने वाले हैं उनको मैं यहीं मिलूंगा, 4 जून तक मैं यहाँ पे हूँ, शायद मैं ही आपको सुबह को पीटी कर रहा हूँ, है ना। तो अब आपका बहुत बहुत वेलकम है यहाँ पे, ठीक है, और डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसको कहीं पे भी डाउट हो एक्सटेंशन एक्सटेंशन, देखो तरीके बहुत सारे होते हैं, कुछ सोचता है भैया हम प्रिय दे देंगे फिर हम ट्रेनिंग पे जाएंगे वहां से हमें छुट्टी नहीं मिलेगी, है ना। देखो अगर आपने ज्वाइनिंग से पहले कोई पेपर दे रखा है तो होता क्या है, उसमें आपको एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती, आपको वो छुट्टी दे देते हैं 1-2 दिन की, तो आप पेपर दे के आ सकते हो, है ना, ऐसी आपका। लेकिन जब आप ज्वाइन कर लोगे उसके बाद आप अगर कोई फॉर्म भरोगे तो आपको उसके लिए एनओसी चाहिए, डिपार्टमेंट आपको एनओसी देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी हमें कोई आपत्ति नहीं, अगर इसके कहीं और नौकरी लगती है तो हम इनको ये रिजाइन देके जा सकते हैं। लेकिन एनओसी जब भी मिलेगी जब आपका जो ग्रेड पे होगा वो ग्रेटर होगा जो आपके स्टेप मतलब सब इंस्पेक्टर से आपका जो ग्रेड पे होगा क्या होगा, आपका हाई होगा, ठीक है। तो आओ आप एंजॉय करना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आपको मिलेंगे डिमोटिवेट करने वाले कि सीआरपीएफ हमारा जंगल में पड़ा रहेगा। देखो आपको नौकरी मिली है, अब जो आपके हाथ में है भाई, लड्डू आपके हाथ में रखा है तो आप इसकी कदर करो ना। अब जो लड्डू आपके हाथ में है नहीं, आप सोच रहे मैं वो खाऊंगा, भाई उसमें आपका प्री होगा, फिजिकल होगा, मेंस होगा, डीवी होगा, मेडिकल होगा, बहुत लंबा प्रोसेस, ये तो आपके हाथ में रखी है ना, तो आप इसको मत जाने देना। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, 6 महीने बाद अगर आप, मैं क्या आपसे कहता हूँ, जैसे आपने 2 महीने का एक्सटेंशन अप्लाई किया आप नहीं गई,
8 जुलाई तक आपने गया, आपने 2 महीने का एक्सटेंशन अप्लाई करा, आपको मिल गया, आपने 3 महीने का फिर अप्लाई कर दिया, आपका वो सेंशन हो गया, 2 महीने आप पहले नहीं गए, 2 का एक्सटेंशन ले लिया, 3 किया आपने फिर ले लिया, तो आपके टोटल 7 महीने हो गए, तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर कैंसिल हो जाएगा, आपको 6 महीने के अंदर ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है? तो भाई पहले ज्वाइन कर लेना, कभी ऐसा हो जो आपके हाथ में लड्डू हो ऐसा कोई और खा जाए, या ये आपका आपको मिले ही ना नौकरी, आप नौकरी से आप हाथ धो बैठो, जो नहीं है आप उसी कदर कर रहे हो, जो है आप उसी कदर नहीं कर रहे, ठीक है? लोग ऐसे हैं जिसको नौकरी मिली नहीं, वो चाहते हैं हम ऐसे ऐसे जीडीए भी हो जाएं, बस सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन जो आपको मिला है आप उसको ज्वाइन करो, आपको अच्छी मिलती है, आप इसको छोड़ के जा सकते हो, कोई वो नहीं है दिक्कत, लेकिन आप ज्वाइन कर लो, 30 जून, जून से पहले तो आप ज्वाइन कर ही लो, आगे आपकी इच्छा है भाई, हो सकता है कोई संपन्न परिवार से हो कि जी पैसे दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ज्वाइन कर लोगे तो 1 साल बाद जब आप देखोगे आपका पे कम होगा, आपके तो उसका पे ज़्यादा होगा, तो आपको जब लगेगा, है ना? चलो ठीक है फिर, और अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है? कमेंट करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, किसी को डाउट है तो मैं आपको नंबर ही बता देता हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप पे SMS कर सकते हो, जो जलंधर जी सी माने वाले हैं, मैंने उसके लिए एक ग्रुप में डाली हुई थी, व्हाट्सएप में भी है और वो आपका टेलीग्राम पे भी है, ठीक है? तो चलो कमेंट में आप पूछ लेना, मैं अपना मोबाइल नंबर पिन कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है? तो जिसको भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हो, कहीं भी कैसा भी डाउट हो, देखो आप ज्वाइन करो, आपके पास बहुत सारे जरिए, आपको नए नए लड़के मिलेंगे, वो बोलेंगे लेट ज्वाइन कर, GC में रहेगा, GC से नहीं भेजेंगे, अगले बैच में भेजेंगे, ठीक है? वो तो बहुत आगे की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, GC से भेज देते हैं अच्छे अच्छे को, ठीक है? वो एक अलग तरीका है कि आप ट्रेनिंग पर जाओ, आपको कुछ हो जाए, आप रेलिगेट होकर आ जाओ, तो आप GC में जब रह सकते हो, ठीक है? आप जब GC में 3 4 साल भी रह सकते हो, लेकिन आप सोचो लेट ज्वाइन करेंगे फिर हम ट्रेनिंग पर जाएंगे नहीं, तो ऐसे मत सोचना, अभी क्या जो अभी 96 डेसो चल रहे हैं, लास्ट में आपका बैच बना दिया डेल्टा कंपनी, जिसको नीमच भेजा है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो भाई अगर किसी को कहीं भी डाउट आता मुझसे पूछ सकते हो, मैं GC में ही हूँ, मेरे संपर्क में भी हैं उस्ताद लोग भी हैं, CTC में मेरे संपर्क में हैं, GC एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मेरे संपर्क में हैं, तो अगर कुछ भी डाउट आता मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है? लेकिन जो है उसकी कदर करो, है ना? चलो ऑल द बेस्ट।